सज्जनों, हम इस संसार में बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम सीखना चाहें। हमारा एक उद्देश्य अगर बन जाए कि हम अच्छी से अच्छी चीजें सीखें जिससे हमारा जीवन सफल एवं सुखमय बने, तो मैं ये चाहूँगा कि जो चीज़ें बनी हुई है हम किससे क्या सीख सकते हैं वो बताने जा रहे हैं। अगर हमें सीखना है तो पृथ्वी से हम सहनशीलता सीखें, धरती से सहनशीलता सीखें, क्योंकि धरती से बढ़कर सहनशील कोई नहीं सकता। कितने अत्याचार सहती है धरती, इसके बाद भी सारा संरक्षण प्रदान करती। अगर हमें निर्मलता सीखना है तो जल से सीखें, जल कितना निर्मल, तो हमें भी कितना निर्मल अगर हो जाए, जैसा जल की जैसे कितनी कीमत है, जल बिना जीवन, जल ही जीवन है, तो इसी प्रकार निर्मलता अगर हम जल जैसे सीख लें तो हमारा जीवन सफल। अगर हमें सीखना है कि हमें तेजता का गुण आए तो अग्नि से हमें तेज का गुण सीखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में गति हो, हर काम में गति प्रदान हो, तो हमें हर चीज में अगर गति लाना है तो हम वायु से गति सीखें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रकाशित हो तो हमें सूर्य से प्रकाश सीखना चाहिए। इसके बाद भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में गंभीरता रहे, गंभीर भी होना बहुत जरूरी है। अगर गंभीर जो व्यक्ति होता है उसकी एक अलग पहचान होना चाहिए। अगर हमें गंभीरता लाना है तो समुद्र से हम गंभीरता सीखें। कितना समुद्र की देखिए गहराई, नाप नहीं सकते कितने गहराई को समुद्र। उसी प्रकार आदमी को चाहिए कि उसकी गहराई को नापना बड़ा कठिन हो जाए। अगर हमें शीतलता लाना है अपने आप में तो चंद्रमा से शीतलता सीखें। हमें अजगर से संतोष सीखें। हम हाथी से स्मरण शक्ति सीखें। हम चींटी एक कितनी छोटी होती तो चींटी से संचय करना सीखें। संचय कितना आवश्यक है तो संचय देखिए, चींटी चींटी कितनी भारी चींटी, आप देखोगे कई ढेर इकट्ठा कर देती है, लाला कर कुछ कई चीजें कुछ होना कुछ लाला करके चींटी कोई रहता टाइप में कोई भारी चीजें तो जो इकट्ठा। उसी प्रकार अगर चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके आदमी क्या नहीं कर सकता, तो संचय सीखना तो चींटी से सीखे। अगर हम परोपकार करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम मधुमक्खी से सीखें। मधुमक्खी देखिए कितनी बड़ी, लेकिन कितना परोपकार कर रहे हैं, कितनी दवाइयों में उसका शहद कितना काम आ रहा, कितना उपयोगी है, स्वयं भले उपयोग नहीं करती लेकिन कितना। अगर हम कला के प्रति प्रेम सीखना चाहें तो हिरण से सीखें। अगर हम आत्मनिर्भरता का भाव सीखना चाहते हैं तो कबूतर से सीखें। अगर हम निश्चलता लाना चाहते हैं, हम जीवन में निश्चल हो हमारा जीवन, तो एक शिशु से सीखें। कौन सा शिशु जिसको उम्र केवल 2 साल पर लगभग 2-2.5 साल तक है, वो शिशु देखिए जिसको पूर्ण निश्चल है, कोई उसमें चंचलता नहीं, कोई इसमें ऐब नहीं, कोई विकार नहीं है। इसलिए हमारा जीवन विकार रहित हो तभी निश्चल हो सकता है। अगर हम अपनी वाणी को सुधारना चाहते हैं कि हमारी वाणी मृदुवाणी बने, मृदुभाषी हम बने, तो कोयल से सीखें। कोयल की वाणी सभी को मीठी, इसी प्रकार हम ऐसी वाणी सीखें जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो, हम मधुर बोलें, क्योंकि आदमी बातचीत से ही पहचाना जाता है। और बातचीत बाड़ी में जिसमें मिठास है तो समझो सब कुछ है। अगर हम वात्सल्य सीखें तो गाय से सीखें। अगर हम ध्येय निष्ठा रखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में ध्येय पर निष्ठा बने, तो चील से सीखें। अगर हम स्वामी भक्ति सीखना चाहते हैं तो स्वामी भक्ति सीखना है तो कुत्ते से सीखें। कुत्ते जैसे स्वाभिमान स्वामी भक्ति, कुत्ता जो एक स्वामी भक्ति का मतलब है, कुत्ता
अपने स्वामी के प्रति जो जो अगर के जहाँ पर है तो उसको इतनी भक्ति निष्ठा रखता है कि जहाँ कहो जैसा कहो वैसा करेगा, उसके हित के लिए चूँकि उसके रोटी अन्न खाया रोटी खाया। इसी प्रकार हम कम से कम उससे सीखें कि हम भी अगर जिसका खाए जो कुछ करें तो उसका कुछ करें, और हमें परिश्रम करना अगर सीखना है तो बैल से सीखें, लगा दो उनको विचार लगी हुई है कर ऐसा परिश्रम अगर सीख पौरुष अगर सीखना है तो सिंह से सीखे, और अगर अध्यवसाय सीखना है तो मकड़ी से सीखें, और सत्यता सीखना है तो संत से सीखें, उनके शरण में जाएं, और यदि सही ज्ञान प्राप्त करना है जीवन में तो गुरु से सीखें। गुरु से ही सच्चा ज्ञान सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, गुरु से सीखें, क्योंकि कहा गया है अज्ञानांधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया तस्मै उन्मीलितं चक्षुः तस्मै श्रीगुरवे। जिसने अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी काजल की सलाई से दूर कर दिया, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हर चीजों को अगर सीखना है तो सबकी बताई हुई गुरु मार्गदर्शन से सीखना।